मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 18 ऑफ थर्ड यूनिट थर्मो इलेक्ट्रिक एडवांस मशीनिंग प्रोसेस इन विच वी विल स्टडी अबाउट लेज़र बीम मशीनिंग। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसेस पैरामीटर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग के इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसेस पैरामीटर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी की थी। अब हम लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में बात करेंगे। लेज़र बीम मशीनिंग इज मोर ब्रॉडली लेज़र मटेरियल प्रोसेसिंग डील विद मशीनिंग एंड मटेरियल प्रोसेसिंग लाइक हीट ट्रीटमेंट। लेज़र बीम मशीनिंग हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में हम उन मशीन्स को हार्ड, कितना भी हार्ड मटेरियल हो उसे मशीन कर सकते थे अगर वो कंडक्टर हो। इनकेस अगर मशीनिंग लेज़र, इनकेस अगर मटेरियल अगर कंडक्टर नहीं है तो उसमें हम लेज़र बीम मशीनिंग या इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग का यूज़ करते हैं। लेज़र बीम मशीनिंग में क्या होता है, लेज़र लाइट को इंडेंट करवाया जाता है मटेरियल के ऊपर। एक माइक्रो लेवल की मशीनिंग होती है, जब मटेरियल जैसे ही जब लेज़र लाइट आती है कंसंट्रेट होकर एक पॉइंट पे, तो मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट होता है और मेल्ट होने के साथ साथ वो मटेरियल मतलब जब हीटअप हो जाता है तो मेल्ट और वेपराइज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। उसके सबसे पहले हम लेज़र होता क्या उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट एम्पलीफिकेशन क्या होता है, उससे पहले हमें पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी भी मटेरियल की, तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल की तरफ बाहर चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो सिंपल प्रिंसिपल होता है कि हर एटम अगर अपनी सेल के अंदर होता है तो वो सैचुरेटेड होता है, स्टेशनरी होता है। लेकिन जैसे ही कई बार वाइब्रेशंस की वजह से हीट मिल जाती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़कर अपर सेल या डाउनवर्ड सेल में चला जाता है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल रिप्रेजेंट करता है एक एनर्जी लेवल को, और वो एनर्जी होती है जितना वर्क फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो फोर्स प्लस में जो उसकी डिस्टेंस होती है ट्रैवलिंग की, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वर्क डन निकलता है वही एनर्जी लेवल होता है हर एटम का। तो जब एटम अपने एक सेल में घूम रहा होता है तो एक एनर्जी लेवल के साथ घूम रहा होता है। अगर उसे हीट मिलती है तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और वो अपर सेल में, अपर एनर्जी लेवल में आ जाता है। जैसे ही वहाँ से हीट रिलीज़ होती है वो सैचुरेटेड नहीं रह पाता, अपनी सेल में ही सैचुरेटेड रहता है क्योंकि उतनी एनर्जी वो एवरी टाइम कंटेन करता है। तो वो अनसैचुरेटेड होता है, हो जाता है तो दोबारा अपनी सेल में आने की कोशिश करता है। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को सपोज़ करो एक फोटोन पार्टिकल आके टकराता है तो एक एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को, और उस एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर रुकने के बाद वो अनसैचुरेटेड फील करता है। तो अगर वो डाउन लेवल में आएगा अपने में तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा उस फोटोन को और अपने डाउनवर्ड लेवल में आ जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसको एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया, अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन की। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मटेरियल एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद अपनी लोअर सेल में नहीं आके अगर उसे और एनर्जी मिलती है तो वो अपर एटॉमिक लेवल, अपर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल होता है उसमें कुछ टाइम के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए स्टे कर जाता है। जब वो उस अपर एनर्जी लेवल में जब वो स्टे करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे करके और भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर लेवल से आ रहे हैं अपर में आके कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए उसमें रह जाते हैं और उसके बाद इमिट कर देते हैं और दोबारा ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। तो इस तरह के वो कुछ टाइम के लिए अपर एनर्जी लेवल में रुकना और उसके बाद जो मटेरियल है उसको लेफ्ट करना, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है और फिर स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। तो जब क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन से पहले जब अपर एटॉमिक लेवल, अपर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन रुकता है तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आके धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं
और जो लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा क्वांटिटी अपर लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है, तो इसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, यानी कि इन्वर्स पॉपुलेशन हो गई, लोअर एनर्जी बैंड में कम इलेक्ट्रॉन है और अपर एनर्जी बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपर एनर्जी बैंड से रिलीज़ होकर एनर्जी रिलीज़ करके दोबारा से लोअर एनर्जी बैंड में जाते हैं, तो पहले से ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे पहले केस में दिखाया गया है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस सिंपली एक ई से ई नॉट से ई वन में गया और ई वन से ई नॉट में आ गया, एक एक फोटोन उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो अब अगर हम बात करते हैं कि पहले एनर्जी लेवल में गया ई वन में, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में गया, हाई एनर्जी लेवल से फिर लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो ई वन से ई नॉट में आ रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, वो डबल फोटोन के बराबर एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। पहले एक फोटोन के बराबर एनर्जी मिली ई वन में और एनर्जी लेके वो और अपर लेवल में चला गया, फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज़ करके ये लोअर लेवल में आ गया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन। लाइट की का एम्पलीफाई किया जा रहा है किसकी हेल्प से, स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन के थ्रू। तो स्टिमुलेटेड इमिशन जब हो जाता है तो इस तरह से हमारे जो मटेरियल होता है उसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे में। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम उस मटेरियल को अगर हम हीटअप करते हैं तो वो अपनी एनर्जी सेल से ऊपर वाले एनर्जी सेल में आ जाते हैं। जब ऊपर वाले एनर्जी सेल में आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मटेरियल हीट गेन करता है, और फिर जब वो और ऊपर वाले एनर्जी लेवल में आ जाते हैं उसके बाद सडनली जब अपने ग्राउंड लेवल के एनर्जी लेवल में आते हैं तो जितना पहले लिया था उससे ज़्यादा डबल एम्पलीफिकेशन के साथ वो हीट रिलीज़ करते हैं, और इस हीट को हमें एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि अगर वो स्कैटर हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रह पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें ले जाना होता है उस डायरेक्शन में हम पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाते हैं, बाकी सभी डायरेक्शन में कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड मिरर लगाते हैं, जिससे कि एनर्जी अगर रेडिएशन अगर उधर जाती हैं तो स्ट्राइक करके टकरा के पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस मटेरियल के अंदर आ जाए, और दो जब चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, एक डायरेक्शन हमने सिर्फ ऐसी छोड़ी है जहाँ पे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वहाँ से वो निकलना स्टार्ट करेंगी। तो एक डिस्टेंस पे एक एटम होगा, दूसरे पे दो एटम होंगे, ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत बहुत सारे रेडिएशंस मिल जाते हैं, और ये रेडिएशंस एक डायरेक्शन में फ़्लो करने लगते हैं, और उस डायरेक्शन में फिर हम लाइट को लेंस के थ्रू कंसंट्रेट करवाते हैं। कंसंट्रेट करवा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमें हीट करना होता है मटेरियल को, तो ये माइक्रो लेवल की मैकेनिज्म होती है, इसमें माइक्रो लेवल पे इंटीग्रेटेड सरफेस पे छोटे छोटे होल्स बनाने हों तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होल्स हम किसी भी शेप और साइज के बना सकते हैं, सर्कुलर होल्स, स्क्वायर होल्स, रेक्टेंगुलर होल्स, जिस डायमेंशन में हमें होल बनानी है उसी डायमेंशन में हम जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ से लाइट को इमिट करवाएंगे और उसी तरह की सरफेस बना देंगे, वहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो लेज़र बीम मशीनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ही है। लेज़र बीम मशीनिंग को जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रो मैकेनिज्म के लिए, माइक्रो मशीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट छोटे छोटी माइक्रो मीटर्स में मशीनिंग या होल्स किए जाते हैं मटेरियल के अंदर। तो ये था लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में, सिर्फ स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे होता है। अब स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद मटेरियल रिमूवल कैसे होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, वो सब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।